हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद दुनिया के तीसरे और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी को 45,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है, जिसके बाद लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है और इसके पीछे कौन है। चलिए आपको उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की नेटवर्थ 113 अरब डॉलर रह गई और अमीरों की सूची में चौथे नंबर पर रह गए। उस व्यक्ति का नाम है नाथन एंडरसन, जिसने 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना की थी। हिंडनबर्ग एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स का विश्लेषण करती है। कंपनी का नाम 6 मई 1937 में हुए हाई प्रोफाइल हिंडनबर्ग एयरशिप हादसे के नाम पर रखा गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है और उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो नाथन एंडरसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री लेने के बाद एक डेटा कंपनी फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम INC में काम किया। वहां वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों से जुड़कर काम करते थे। नाथन एंडरसन एम्बुलेंस में ड्राइवर का भी काम कर चुके हैं। हैरी मार्कोपोलोस को एंडरसन अपना रोल मॉडल मानते हैं। मार्कोपोलोस एक एनालिस्ट हैं जिन्होंने बर्नी मैडोफ की फ्रॉड स्कीम का पर्दाफाश किया था। 2017 में स्थापना के बाद से ही हिंडनबर्ग कम से कम 36 कंपनियों में संभावित गड़बड़ियों का भंडाफोड़ कर चुकी है। इसके अलावा कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए टारगेट कंपनी के खिलाफ बेट भी लगाती है। सितंबर 2020 में हिंडनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रिक ट्रक मेकर निकोला कॉर्प के खिलाफ बेट लगाई थी और भारी रकम जीती थी। हालांकि एंडरसन ने रकम का खुलासा नहीं किया। पिछले साल अमेरिका की एक जूरी ने निकोला के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन को निवेशकों को धोखा देने का दोषी करार दिया था, जिसका असर ये हुआ कि कंपनी के वैल्यूएशन कुछ ही दिनों में 34 अरब डॉलर से 1.34 अरब डॉलर तक गिर गई थी। नाथन एंडरसन एलन मस्क पर भी बेट लगा चुके हैं। फिलहाल उनकी कंपनी की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।